पटना के दानापुर शहर में कुछ लोगों ने एक फर्जी बीईओ को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद आरोपी को पुलिस को भी सौंप दिया। नीले रंग की टी शर्ट में दिख रहे इस आदमी पर खुद को बीईओ बताकर लोगों पर रौब झाड़ने का आरोप है और अपने साथ चार सिपाही लेकर भी इलाके में घूम रहा था। बताया जा रहा है कि अब तक कई लोगों को ये आदमी अपने झांसे में ले चुका है और लोग इसके पीछे चल रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद आरोपी का फर्जीवाड़ा लोगों के सामने आ गया, जिसके बाद लोगों ने उसे घेर लिया और पीटा भी। हंगामे की सूचना पर बीटा गांव में दानापुर थाने की पुलिस पहुंची और लोगों से घिरे हुए आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में आरोपी फर्जी बीओ बनकर अपने कैंडिडेट की मदद कर रहा था। राजधानी दिल्ली में हुई श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही झारखंड के साहिबगंज में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहाँ एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव के 50 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने जिले के संथाली मोमिन टोला के अलग अलग जगह ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से अब तक शव के कई टुकड़े बरामद कर चुकी है। मृतक महिला की पहचान रेबिका पहाड़ीन के रूप में हुई। पुलिस ने उसके पति दिलदार अंसारी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी दिलदार अंसारी ने रेबिका से दूसरी बार शादी की थी। वारदात का खुलासा तब हुआ जब संथाली मोमिन टोला में कुछ लोगों ने शव के टुकड़े देखे और पुलिस को जानकारी दी। इसी बीच पुलिस को रेबिका की गुमशुदगी की शिकायत मिली थी। दोनों कनेक्शन जोड़ते हुए पुलिस ने रेबिका के पति दिलदार अंसारी को पकड़ लिया। दो तीन टुकड़ा मिला था, एक टुकड़ा यहाँ मिला था पैर, एक टुकड़ा उंगली यहाँ मिला था और दूसरा एक उंगली मिला था चपाकल के पास में और एक पीठ का भाग उधर मिला था। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिलदार ने अपनी दूसरी पत्नी रेबिका की हत्या करने के बाद उसके शव को अपने मामा के घर पर इलेक्ट्रॉनिक कटर से काटा था। पुलिस को अब तक शव के करीब 18 टुकड़े मिल चुके हैं। ये वो घर है, बताया जाता है कि इसके ऊपर पर खून के निशान मिले हैं और खून के धार भी मिले हैं। संथाली मोमिन टोला से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस को शव के कई टुकड़े मिल चुके हैं। पुलिस को अभी भी शव के सिर समेत कई अहम हिस्सों की तलाश है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। आतंकी संगठन टीआरएफ ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। टीआरएफ ने दरअसल एक वीडियो जारी करके और चिट्ठी जारी करके कश्मीरी पंडितों को धमकी दी। चिट्ठी में लिखा गया, विक्टिम कार्ड खेलकर फायदा लेते हैं कश्मीरी पंडित, साथ ही घाटी में नौकरी करने वाले बाहरी लोगों को हत्या की धमकी भी दी गई है। तो इससे पहले भी टीआरएफ ने इसी तरह से कश्मीरी पंडितों को धमकी दी। आपको बताते हैं घाटी में इस समय आतंकी संगठन टीआरएफ किस तरीके से आतंक फैला रहा है। तो कश्मीर घाटी में आतंक का दूसरा नाम जिसे टीआरएफ कहा जाता है। सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग में हाथ टीआरएफ का ही सामने आया है। इतना ही नहीं, टीआरएफ के पीछे लश्कर ए तैयबा जैसे बड़े आतंकी संगठनों का हाथ है। बीजेपी नेताओं की हत्या में भी टीआरएफ का कई बार नाम निकलकर सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, लगातार पुलिस अफसरों को निशाना भी टीआरएफ बनाता आया है। कश्मीरी पंडित और बाहरी लोगों पर कई दफा टीआरएफ ने हमला भी किया है। साथ ही फिल्म पठान को लेकर करणी सेना समेत कई हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। फिल्म को बैन किए जाने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन जारी है।